नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम परम पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। महाराज जी, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि गीता जी का अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? गीता के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक जो है, उसकी आप गहराई में देखेंगे तो एक बड़ी प्रेरणा है। भगवान 18वें श्लोक में कहते हैं, उदारा सर्वे वेते ज्ञानी त्वात्मेवमतम आस्थिता सहयुक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम। तो यहाँ जो श्लोक है, भगवान कहते हैं सभी भक्त मेरे उदार हैं, सभी भक्त अच्छे हैं। ज्ञानी भले ही एक रूप होने के कारण मेरी आत्मा है, मेरे से एक रूप है, लेकिन आगे जो कहा आस्थिता साहि युक्त आत्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम, यहाँ जो अनुत्तमाम गतिम है, क्योंकि ज्ञानी परमात्मा से एक रूप हो जाता है, जो तू है सो मैं हूँ। भगवान कहते हैं वो उस गति को पा लेता है, उस स्थिति को पा लेता है जिसके समान और जिससे श्रेष्ठ और कोई दूसरी गति नहीं होती। यहाँ जो अनुत्तमाम गतिम शब्द है, अनुत्तम की साधना की बात है, वो उस अवस्था की बात है जो जीव का परमोच्च लक्ष्य है, सर्वोच्च लक्ष्य है, जीव का परम प्राप्तव्य है, जिस प्राप्ति के पश्चात और कुछ पाना शेष नहीं रहता। ये गीता की एक दिव्यता है जो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने प्राप्त करने की प्रेरणा दी और कहा कि उसके समान कोई गति नहीं। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय स्कॉन प्रमुख महामंत दास जी के विचार। कहा जाता है गीता जी के अध्याय 7 और श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? यहाँ पर अनुत्तमा गति कहा उन्होंने। इससे पहले के श्लोक में भगवान ने कहा कि चतुर्विधा भयंति माम जना सुकृतार्जुना आर्थ अर्थार्थी जिज्ञास ज्ञानी च भरतर सब। चार प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग हमारे भक्त हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन साथ साथ जो लोग ज्ञानी हैं, जो मेरे परम ज्ञान को जानते हैं, गीता के इस गुह ज्ञान को जानते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं वो उनको मैं अपने समान मानता हूँ और उन्हें निश्चित रूप से अनुत्तमा गति अर्थात उन्हें मेरे धाम की प्राप्ति होती है। ये थे आदरणीय स्कॉन प्रमुख महामंत दास जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी परम गति को, अपनी गति को भी अनुत्तम कहा है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4, 16-17 और अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परमात्मा की साधना करने को जोर दे रहा है और कह रहा है कि उसकी साधना करने से ही तेरा परम गति होगी। एक श्री कृष्ण भगत से किसी ने प्रश्न किया कि श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, वो क्या उत्तर देता है कि श्री कृष्ण अपने ही विषय में कह रहा है, अपने ही शरण में आने को कह रहा है। बोलता हूँ इनका कोई ज्ञान है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन कह रहा है कि मैं आपकी शरण हूँ और आपका शिष्य हूँ, आप मुझे यथार्थ ज्ञान बताइए, अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो श्री कृष्ण की शरण में अर्जुन तो पहले ही था, अब ये कहे कि मेरी शरण में आ जा,
अपने शरण के लिए कह रहा है, नहीं कि तीन परमात्मा, सर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। पुण्यात्मा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जिन्होंने तत्वदर्शी संत मिल गया, उन्होंने सारे अध्यात्म ज्ञान को समझा और सभी कर्मों से परिचित हुआ और वो तत्ब्रह्म से परिचित हुआ, फिर वो जरा और मरण से मुक्ति के लिए ही, छुटकारे के लिए ही वो प्रयत्न करता है, वो इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, उस तत्ब्रह्म को जान लेता है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसके जानकर फिर कुछ किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, जरा और मरण से मोक्ष प्राप्ति ही चाहता है, तो वो किम तत्ब्रह्म। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर देता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अलग है। अब एक सर्वपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, ये तीन प्रभु हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 और श्लोक 16 और 17 में जो विशेष विवरण दिया है उसको समझने के लिए इस संसार रूपी वर्क्स को आप देखिएगा, चित्र आसानी से समझ में आएगा। फिर ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो। परमेश्वर ने स्वयं बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सर्वपुरुष इसका एक डार समझो, ये काल समझो, काल ब्रह्म समझो, इसको कुछ भी कहो, ये इसके इसी के पर्यायवाची नाम है। सर्वब्रह्म, सर्वब्रह्म अर्थात सर्वपुरुष, काल ब्रह्म, इसको ब्रह्म सर्वपुरुष भी कहते हैं, सर्वपुरुष। ये तो डार समझो इस संसार रूपी वृक्ष की। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो शाखाएं हैं और हम या पात्र रूप संसार। अब इस आशय को समझने के लिए अब ये गुप्त कौन है, ये जड़ कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या पूर्ण ब्रह्म या परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तीन भगवान हैं, एक तो परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये तो जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, यहीं से सबको उत्पत्ति होती है और यहीं से सबको आहार मिलता है, सबका धारण पोषण यही करता है। फिर तना जो जमीन से बाहर दिखता है उसको अक्षर पुरुष परब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और उसके फिर एक डार है, वो सर्वपुरुष है, ये ब्रह्म है जो गीता बोल रहा है। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा हैं और हम पात्र रूप संसार। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये भी कंसेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए, तब जा करके हमारे ये हृदय में समावेगा ये ज्ञान, तत्व ज्ञान। क्योंकि आज तक हमने लोकवेद सुना है, दंत कथा सुनी है, गीता जी का अनुवाद भी हमने गलत पढ़ा है। ये देखिएगा मार्कंडे पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके ये प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, इसके 123 पृष्ठ पर आप देखिएगा। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु जी हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं, स्पष्ट हो गया। और देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका से भाग एक, श्री अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4। ये देखिएगा अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते, ये 11 पृष्ठ पे। और यहाँ देखिएगा अध्याय 5 तीसरा स्कंद इसका 8वां श्लोक, हे माता, शंकर भगवान बोल रहे हैं शिव जी, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो
तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए, फिर देखिएगा। अब हम संस्कृत पढ़ेंगे, ये सातवां समाप्त हुआ, आठवां श्लोक। यदि दया धर्मना न सदा पी के कथम अहम विहित है, शंकर भगवान कह रहे हैं किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण है, तमोगुण है कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को आपने रजोगुण संभव क्यों रजोगुण उत्पन्न कर दिया, सो भीत किमो सतोगुण हरि, और किस प्रकार आपने विष्णु जी को सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और मार्कंडेय पुराण में आपने क्लियर सुन लिया कि यही तीन देवता हैं, आप स्वयं पढ़ा, और यही तीन गुण हैं रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब श्री मद्भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 को समझना अति आसान हो जाएगा, ये देखिएगा। श्रीमद देवी भागवत जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 15 पंथ 10 अध्याय और मंत्र नंबर श्लोक नंबर 1 में आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी य तम वेद स वेदवित। ऊपर को जड़ वाला अधः शाखम नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी ये अविनाशी पीपल का वृक्ष है, और छंदासी यस्य प्रणानी इसके पत्ते जैसे ऊपर को जड़ शाखा और पत्ते आदि जो छंद हैं भाग हैं विभाग हैं, ये तम वेद जो इसको जानता है स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिए आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले अध शाखम, इन्होंने यहाँ गलत किया है, ब्रह्मा रूप शाखा मुख्य शाखा वाले ये गलत किया है, ये अध माने नीचे होना चाहिए। देखो यहाँ इन्होंने इसी के 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अध माने नीचे किया है, अध माने नीचे, अध माने नीचे, तो यहाँ भी अध माने अध शाखम प्रथम मंत्र में अध माने नीचे को शाखा वाला, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले अध माने नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष जो साथ जो व्यक्ति मूल सहित तत्व से जानता है जड़ते लेकर पत्तों तक बता देगा स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है वो तत्वदर्शी संत है। अब यहाँ दूसरे में कहा है उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी तीनों शाखाएं हैं, विषय विषय पर वाला शाखा विषय विकारों वाली ये तीनों शाखाएं हैं नीचे और ऊपर फैली हुई हैं, सर्वत्र नहीं ये गलत लिखा है, ऊर्ध्व माने ऊपर फैली मनुष्य लोक में कर्मों अनुसार बांधने वाली भी ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश कर्मानुसार सबको यहाँ बांधे रहते हैं, अपने कर्म अनुसार उनको ये सब देते रहते हैं, नीचे और ऊपर व्याप्त हैं, नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, ऊपर ऊपर स्वर्ग लोक में नीचे पाताल में और पृथ्वी तीन लोकों में ये व्याप्त है। अब तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है, नहीं पाया जाता यहाँ विचार काल माने कि तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊँगा, यहाँ नहीं मैं नहीं बता सकता संसार रूप के इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को नहीं बता सकता, इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि वो तत्वदर्शी संत बताएगा, न इसका आदि है और न इसका अंत है और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है, इसलिए इस सो विरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले ये गलत लिखा है, यानी मूल यानी पूर्ण परमात्मा और उसका लोक तो अविनाशी लोक है वह कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए अति दृढ़ मूल वाले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को
असंग शस्त्रेण, इन्होंने विराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, यानी उसको समझ कर, जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके बाद इसको समझ कर। अब चौथा श्लोक है 15वें अध्याय का। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अपुन आत्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता को भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसने स्पष्ट करके छोड़ दिया कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में बताया कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएगा, गीता ज्ञान दाता उस ज्ञान को नहीं जानता। तो उसके लिए परमात्मा खुद आए थे। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने स्वयं बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। अब इसमें यह भी स्पष्ट किया है, गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात इस उलझी हुई गुत्थी को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता, वो है वास्तव में परम गति, जो गीता ज्ञान दाता से कोई और परमेश्वर है और वो संत बताएगा। तो पुण्यात्मा, यहाँ गीता ज्ञान दाता इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अपनी गति को अनुतमाम अति घटिया कहता है, कति व्यर्थ है, क्योंकि जन्म मृत्यु कहता मेरी भी रहेगी और साधक की भी रहेगी, ब्रह्मलोक में पहुंच जाएगा मेरे ओम नाम के जाप से, और ब्रह्मलोक में गए हुए भी प्राणी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये खुद कह रहा है कि मेरी जो साधना है वो अति अनुतम है, व्यर्थ है, वो घटिया है। इसलिए यह गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में कहा कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर साधक कभी वापस नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और कहता है पूर्ण रूप से सच्ची श्रद्धा से उसी की साधना करो, गीता ज्ञानदाता कहता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीनों पुरुष यानी प्रभुओं की जानकारी है, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है, अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब सर्वपुरुष तो ये खुद है, अक्षर पुरुष ये समझो तना, और तने का आगे एक मोटी डार निकलती है वो सर्वपुरुष, आगे तीनों देवा शाखा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और मूल भगवान जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है जिससे सबका धारण पोषण होता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुषों की, तीन प्रभुओं की जानकारी है, ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर यहाँ 16 देखिए, श्रीमद् भगवद गीता। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर च अक्षर है एव च सर सर्वाणी भूतानि कटुस्त अक्षर उच्यते। इस लोक में पृथ्वी वाले लोक बोले जाते हैं जो 7 संग ब्रह्मंड इसके अक्षर पुरुष के और 21 ब्रह्मंड सर्व पुरुष के। इससे पहले थोड़ा चित्र दिखाते हैं आपको, अब देखिएगा ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, इसमें क्या व्यवस्था है देखिएगा। ये नीचे के 7 पाताल आदि ये 7 लोक हैं, और ये पृथ्वी लोक है, ये शिव जी का लोक, ये ब्रह्मा जी का लोक, ये विष्णु जी का अपनी राजधानियां हैं, ये स्वर्ग लोक और नरक लोक, ये धर्मराय का लोक है, ये एक मानसरोवर है यहाँ पर, और ये है वो ब्रह्म लोक, ये इतना ब्रह्मलोक है। अब जैसे जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं इस कॉमन स्वर्ग में जाते हैं, इस स्वर्ग लोक में आ जाते हैं।
और ये तो बहुत शीघ्र ही इनका पतन हो जाता है। जो ब्रह्म की साधना सर्वपुरुष की करते हैं वो यहाँ इस ब्रह्म लोक में पहुँच जाते हैं। इसने यहाँ तीन नकली स्थान बना रखे हैं, महेंद्र का द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक। ये सारा ब्रह्म लोक कहलाता है इतना, ये देखिएगा। और ये स्वयं इसने तीन गुप्त स्थान बना रखे हैं। एक स्थान पर यह स्वयं ब्रह्मा जी का रूप धारण करके रहता है और दुर्गा इसकी पत्नी है, उसको ये सावित्री रूप में रखता है। ये रजोगुण प्रधान अक्षेत्र है, ये एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है जिसमें यह स्वयं विष्णु रूप धारण करके रहता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण करा के यहाँ रहता है। जब तक ये इसमें रहते हैं इनके दोनों के सृष्टि क्रम से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम विष्णु रख देते हैं, वो ऑटोमेटिकली सतोगुण हो जाता है। और जब ये ब्रह्मा के रूप में रहता है रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको इसी स्वरूप का उत्पन्न हो जाता है, उसको वो ब्रह्म ऑटोमेटिकली रजगुण युक्त हो जाता है। और यही काल ये सर्वपुरुष वह तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है, स्वयं ये इस वेशभूषा में रहता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तमोगुण हो जाता है और उसका नाम ये शिव रख देते हैं। विष्णु सतोगुण से उत्पन्न पुत्र को विष्णु नाम रख देते हैं और इस एक क्षेत्र में जो उत्पन्न होता है उसको ब्रह्मा नाम रख देते हैं, वो रजोगुण युक्त हो जाता है। तो ये एक ब्रह्मांड है, ऐसा एक ब्रह्मांड है। ऐसे 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये काल है सर्वपुरुष। ये देखिएगा, ये काल के 21 ब्रह्मांड, ये सर्वपुरुष भी कहते हैं इसको। अब जो आपने एक ब्रह्मांड ये देखा था पूरा, ये समझो अब ये एक गेंद सी होगी, गेंद। तो इसने पांच ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना रखा है, ऐसे चार महाब्रह्मांड बना रखे हैं, इसमें 20 ब्रह्मांडों को रोका हुआ है और ये 21वां इसने अलग से अपनी एक राजधानी बना रखी है। इस प्रकार ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी तो केवल इन तीन लोकों में, इस पाताल लोक पर, इस पृथ्वी लोक पर और इस स्वर्ग लोक पर एक एक विभाग के स्वामी हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी, ये केवल एक ब्रह्मांड में इन तीन लोकों पर एक एक विभाग के अधिपति हैं बस। और ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं इस काल के। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से आप परिचित हो जाओगे। और ये है, अब ये असंग ब्रह्मांड का मालिक, ये पूरी सतीथि आप इससे समझेंगे तीनों भगवानों की। ये देखिएगा, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ये 21 ब्रह्मांड हैं जो अभी आपने देखे थे। अब ये इस अतिथि में आ गए हैं, ये तो सर्वपुरुष यानी काल ब्रह्म के हैं 21 ब्रह्मांड, और ये सात संख ब्रह्मांड हैं, सात संख ब्रह्मांड ये परम, ये अक्षर पुरुष के या पर ब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष को, ये वाले, ये अलग से दिखाई देती है। और ये पूरे असंग ब्रह्मांड का कुल मालिक, इन पे भी उन सब पे जो मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सब का स्वामी, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये पूरा देखिए, अब ये तीन भगवान समझ पाओगे, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष, ये इतनी सीमा अक्षर पुरुष की, ये सर्वपुरुष की और ये परम अक्षर पुरुष की, यानी पूर्ण ब्रह्मांड। अपने आत्माओं, ये है यह अध्यात्म ज्ञान और ये है गीता जी का ज्ञान। अभी तक ये दंत कथा सुना रहे हैं हमारे को, इनको कह का नहीं पता गीता जी के ज्ञान का।